अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, ये एक सीपीयू है जो 7800 मॉडल है एचपी का। एक क्लाइंट ने ले आया है कि कह रहा है कि ये ऑन होता है फिर ऑफ होता है। आप यहाँ देख रहे हो, आज इस सीपीयू में आपके सामने ये मसला हल करूँगा। आप ये देख रहे हो कि ये लाइट ऑन है फिर ऑफ हो जाता है, फिर ऑन हो जाता है फिर ऑफ हो जाता है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो चलो इसको देखते हैं इसको हल कैसे किया जाता है। सबसे पहले इसका फैन चेक करते हैं। आप देख रहे हो कि फ़ैन स्टार्ट हो गया और दोबारा ये ऑफ हो गया। तो ये न रेड लाइट देता है न कोई बीप देता है, इसमें क्या मसला है, चलो इसको हल करके देखते हैं। सीपीयू जब बीप देता है तो 2 बीप देता है, 3, 4, 5 और 9 बीप देता है, लेकिन ये कोई भी बीप नहीं देता। ये प्रेशर ऑन नहीं हो रहा, ये बीप नहीं दे रहा और ये डिस्प्ले नहीं दे रहा। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो चलो इसको खोल करके देखते हैं। ये प्रेशर का हीट सिंक है, इसको मैंने एक जगह रख दिया। पावर को मैंने ऑन कर दिया, देखता हूँ कि ये प्रेशर हीट करता है या नहीं। इस पर मैंने अपनी उंगली रख क्या है, ये हीट करता है लेकिन ये इस पर 12 वोल्ट करंट आ रहा है लेकिन ये डिस्प्ले नहीं दे रहा है, मेरा डिस्प्ले बिल्कुल ऑफ आ रहा है। तो इसमें मैं प्रेशर चेंज करके देखता हूँ। दादा बायोस डैमेज हो जाता है या प्रेशर की वजह से आता है या पावर सप्लाई खराब होने की वजह से आता है। मैंने सब कुछ चेंज किया, आखिर में सिर्फ प्रेशर को चेंज किया तो ये ठीक हो गया। अभी देखते हैं कि ये ठीक होता है या नहीं। तो यह हमने आपके सामने सीपीयू को ऑन कर दिया, वो वाली लाइट दे रहा है ग्रीन। आप देख रहे हो कि ये डिस्प्ले आ गया, इसका मतलब है कि ये ठीक हो गया। तो इस तरह अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।